का मैं प्रश्न ले लेता हूँ। ठीक है जी आप बताएं। धन्यवाद सर, आपने मेरा क्वेश्चन लिया। थैंक यू सर, बताएं। पहले पहली बात तो बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी सबको बहुत बहुत बधाई बसंत पंचमी की, धन्यवाद आपका। सर मेरा क्वेश्चन कुछ बेसिक है। जी बताएं। मेरा नाम विनोद वर्मा, मैं चंडीगढ़ के पास जीरकपुर से बिलोंग करता हूँ। जी मेरी एज इस टाइम 42 ईयर्स है। जी पिछले 3 महीने पहले मेरे अंदर एक ज्योतिष की तरफ चिंगारी जगी है, जागने की उत्सुकता बढ़ी है। इससे पहले मैं ज्योतिष से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ज्योतिष मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, या एक फेक इम्पल्स है ये जो चली जाएगी थोड़े दिनों में। अच्छा, मैं दूसरे एंगल से बात करता हूँ इस विषय पे। हम सब स्कूल जाते हैं, मतलब गए थे, हम तो गए थे, हमारे बच्चे जाते हैं, ठीक। अब वो वहां पे ये बोले जी स्कूलिंग मेरे किस्मत में लिखी है या नहीं लिखी, मतलब थोड़ा ऑकवर्ड होगा, बट जस्ट टू लेट इट, लेट मी गिव मी टाइम टू कंप्लीट इट आल्सो। तो हर माँ बाप बोलेगा भैया स्कूल तो तेरी किस्मत में लिखा, तुझे स्कूल तो जाना ही जाना है, ये तो रूल है, इसमें किस्मत तो आती थी तो रूल है, ठीक है जी, तो जाएगा जाएगा। वो अलग बात है कि वो आगे जाके कौन सी स्ट्रीम में पास करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अधिकारी बनेगा, वो एक अलग बात हो गई, ठीक है जी। बेसिक तो करेगा, 12वीं तक तो सभी बच्चे करेंगे करेंगे, तो डिजाइन है, पैटर्न है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं इसको, 100-200 साल पीछे, अंग्रेजों से पीछे जाते हैं। और जब गुरुकुल हुआ करते थे तो हम उस समय में हमने भी कहीं पे अवतार लिया होगा, कहीं पे तो हम होंगे, कहीं ना कहीं तो हम, कहीं ना कहीं तो हमारी भी कोई हस्ती होगी। अब किस 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 रूप में होगी, मानव रूप में होगी या जानवर रूप में, ये हमें नहीं पता, बट कहीं तो होंगे, चलो मान के रहते मानव रूप में थे 200 साल पहले। तो तब हम स्कूल जाते थे, गुरुकुल जाते थे। अब गुरुकुल में जाने के बाद सबसे पहले नक्षत्रों पे काम करवाया जाता था, और बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी सबको सिखाई जाती थी। अब हम तब बोले जी ये उस समय पे ये जो एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए बनी या नहीं बनी है, या नक्षत्र हमारे लिए बने या नहीं बने, तो उस समय का अटपटा क्वेश्चन होगा। थोड़ा आगे आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, नियर टू इंडिपेंडेंस टाइम आ जाते हैं, या आफ्टर थोड़ा इंडिपेंडेंस आ जाते हैं। हमारे माता पिता आपने देखे होंगे एक चार्ट लगाया करते थे घर में, कैलेंडर, जिसमें दूध का पानी का हिसाब लिखा होता था, और उसमें नक्षत्र लिखे होते थे, और वो नक्षत्रों से बात करते थे कि ये महीना चल रहा है, ये श्रावण का महीना चल रहा है, ये कार्तिक का महीना चल रहा है, इस तरीके से बात किया करते थे, इस महीने में ये आएगा, इस महीने में ये आएगा। तो नक्षत्रों की ज्ञान उनको बाई डिजाइन था, क्योंकि पीछे से आ रहा था, ठीक है। वो स्कूलों में उनको पता नहीं बताया गया, नहीं गया। तो बेसिक्स जो एस्ट्रोलॉजी हमारा वैदिक है ना, ये हमारा कर्म है, ये हमारी रूट्स है। इसके अंदर किसी को किस लेवल पे जाके करना है वो एक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इसका रूट्स को कनेक्ट करना तो सबका अधिकार है। मैं ये सवाल इसलिए पूछा सर, ये सवाल इसलिए पूछा कि मैंने पिछले 3 महीनों में जितने भी बुक्स पढ़ी या वीडियो देखे, तो उसमें मुझे कहीं दिखा कि जब अष्टम भाव जागृत होता है या जो सीक्रेट नॉलेज है, हिडन चीजों को दर्शाता है, खासकर इस तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। तो सर यहाँ पे हमने भाव की बात ही नहीं करी, इसलिए मैंने पहले बोला यहाँ पे हमने कंजेक्शन लगाया केतु से, एक एग्जाम्पल दिया था प्रोफेशन में, ठीक है। ऐसे कई कंजेक्शन होंगे जो ट्रांजिट में आपके लग रहे होंगे चार्ट पर, और वो आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेके आ रहा है या ऑकल्ट की तरफ लेके आ रहा है, एंड इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द अष्टम भाव ओनली, ठीक है। तो ये आपके लिए बनी है, आप इसको करेंगे, सीखेंगे, आप अच्छा करेंगे इसमें। पर जिसको भी मुझे एबीसी नहीं पता, वो कैसे इसमें कोप अप पिकअप कर पाएगा? एबीसी सीख के तो अभी ये सिखाएंगे एबीसी, ओके, ये इसमें एट्रीब्यूट्स, इसमें हम वैदिक का उतना पार्ट लेंगे जितना बीएनएन के लिए जरूरी है, दैट्स इट, इतना ही करेंगे हम, उसके बाद हम प्रोग्रेशन और ट्रांजिट पे आ जाएंगे सीधा। राइट एक सवाल और था सर, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस कंसेप्ट, बाकी सब मेरे से धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे। सवाल ये है कि मैंने अपने करियर में पिछले 30-40 सालों में जब जब ज्योतिष या ज्योतिष पंडित का सहारा लिया, अपनी लाइफ में जब डिस्टर्बेंस फेसेस आए, तो आज तक मुझे किसी भी रेमेडी का इम्पैक्ट नहीं आया, मुझे असर नहीं हुआ, वो जो समय था वो बीता और वो कष्ट निकला ही निकला। क्या रेमेडी का हमारे इस ज्योतिष में रोल रहता है, या सिर्फ एक मन को दिलासा देने का पार्ट होता है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे।